नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जिंदगी के क्रिकेट में कोई ड्रॉ नहीं होता, या तो जीत होती है या फिर हार, और जीत उसी की होती है जो ऊपर होता है, और ऊपर वही होता है जो नीचे नहीं होता है। फिल्म छोटी सी बात का ये डायलॉग अभिनेता अशोक कुमार ने फरमाया था। ब्रिटिश काल में बिहार में पैदा हुए अशोक कुमार पर ये डायलॉग खूब जचता है। अशोक कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। उन्होंने हर मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए देश भर में अपने अभिनय के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अशोक कुमार का जन्म ब्रिटिश काल के दौरान भागलपुर, ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब बिहार में है, 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उनके पिता कुंजूलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी माँ गुआरी देवी एक गृहिणी थी। कुमुदलाल चार भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बहन की शादी काफी छोटी उम्र में सशाधर मुखर्जी से हो गई थी। उनके 14 साल छोटे भाई कल्याण थे, जिन्होंने अपना नाम अनूप कुमार रख लिया। उनके सबसे छोटे भाई आभास, जिन्हें दुनिया एक मशहूर गायक किशोर कुमार के नाम से जानती है। हालांकि अशोक कुमार अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा जिए हैं, मगर उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई किशोर कुमार की मौत के बाद अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। किशोरावस्था में जब उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू भी नहीं किया था, तभी उनकी शादी बंगाली ब्राह्मण कम्युनिटी की शोभा से हो गई थी, जिससे उनके एक बेटे और तीन बेटियां थी। उनकी सबसे छोटी बेटी प्रीति गांगुली ने कई फिल्मों में कॉमेडियन का अभिनय किया। उनकी बेटी भारती ने दो शादी की। दूसरी शादी से उनकी दो सौतेली बेटी थी। उनकी सौतेली बेटी कियारा अडवाणी है। हालांकि कियारा का अशोक कुमार से खून का रिश्ता नहीं है, मगर वो उनके वंश में गिनी जाती है। उन्होंने लॉ की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से पूरी की, मगर उनका दिल कभी लॉ में नहीं, वो हमेशा सिनेमा में टेक्नीशियन बनने का ख्वाब रखते थे। उनके पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह वकील बने, मगर वो कॉलेज एग्जाम में फेल हो गए और फिर अपनी बहन के पास मुंबई चले गए। यहाँ पर उनकी बहन के पति सशाधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में पदस्थ थे। अशोक कुमार ने कुछ पैसे कमाने के लिए मुखर्जी से उनकी सिफारिश से बॉम्बे टॉकीज में काम करने का मौका मांगा। फिर उन्हें लैबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। वो वक्त 1930 का था। हालांकि उनके पिता लॉ की पढ़ाई छोड़ने के बिल्कुल खिलाफ थे, मगर उन्होंने अपने पिता को बाद में इसके लिए मना लिया, और इस तरह से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक टेक्नीशियन के तौर पर हुई। वो लैबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर काम करके काफी संतुष्ट थे, मगर किस्मत ने उन्हें अभिनय के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया और अपने अभिनय के जादू लोगों के दिल पर राज करने लगे। दरअसल बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नैया में देविका रानी के हीरो नजीमल हुसैन सेट से भाग गए थे, जिसके बाद हिमांशु ने अशोक कुमार को देविका रानी के ऑपोजिट साइन कर लिया था। इन दोनों की जोड़ी खूब जमी। फिर उन्होंने साथ में कई फिल्में की, जिनमें अछूत कन्या, सावित्री, निर्मला और इज्जत जैसी फिल्में शामिल है। लीला चिटनीस के साथ उनकी फिल्म झूला काफी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने उन्हें सबसे अधिक वेतनभोगी अभिनेताओं में से एक बना दिया। उनके लिए बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत काफी हिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने पहले एंटी हीरो के किरदार में भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म उनकी ये बन गई थी। यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद वो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। वो जहां भी जाते भीड़ लग जाती थी। इस फिल्म ने उन्हें सदी के सबसे अधिक वेतनभोगी अभिनेता के रूप में उभार दिया था। किस्मत की सफलता के बाद उन्होंने कई फिल्मों की चल चल रे नौजवान, शिकारी, साजन, महल, मशाल, संग्राम, समाधि आदि शामिल है। उन्होंने बॉम्बे तलीज के लिए कई फिल्में प्रोड्यूस की, जैसे कि जिद्दी, जिस फिल्म ने देव आनंद और प्राण के करियर को ऊंचाई दी। जिसके बाद फिल्म नीलकमल आई, जिसमें राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद फिल्म महल में उन्होंने मधुबाला के ऑपोजिट काम किया और फिल्म हिट साबित हुई। 1950 की शुरुआत के साथ उन्होंने परिपक्व किरदार निभाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने क्लासिक हावड़ा ब्रिज में मधुबाला के साथ काम किया। जवान अभिनेता जैसे देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर आदि के बीच भी वो सुपरस्टार बने हुए थे। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ भी कई फिल्में की। 1952 से लेकर 1972 तक उन्होंने तमाशा से लेकर पाकीजा तक करीब 17 फिल्में की। 1960 के बाद से उन्होंने फिल्मों में पिता, चाचा या दादा का किरदार निभाना शुरू कर दिया। 1960 से लेकर 1970 के बीच में उन्होंने कई हिट मूवी की। 1968 में बनी फिल्म आशीर्वाद के लिए उन्होंने फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड जीता था।
बाद में 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने शशि कपूर और राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया। 1980 के बाद उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया और पर्दे पर कभी कभार ही दिख रहे थे। अशोक कुमार ने भारतीय सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने पहले एंटी हीरो किरदार को निभाया। वो अपनी सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे, साथ ही कई दिग्गज अभिनेताओं के अभिनय करियर की शुरुआत करने में उनका हाथ रहा। अभिनेताओं के साथ साथ उन्होंने निर्देशक के क्षेत्र में भी कईयों को सफलता दिलाई। उन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। करीब 6 दशक तक अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अशोक कुमार ने 90 साल की उम्र में 10 दिसंबर 2001 को दुनिया से अलविदा कह दिया। इस कहानी में ऊंचाई भी और सपनों की लड़ाई भी। अपनी कहानी को एक लाइन में लपेट कर कह दिया, अपना पसीना बहाएगा तो सोना उगाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।